क्या बात है अम्मा जी, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। एक तो भाभी अब जब भी आती है ना, पता नहीं अम्मा जी को क्या उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाती हैं। वो बेचारी परेशान हो जाती हैं। बोले मुझे बताएं क्या बात है। नहीं शाइस्ता, ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। आप और आपका शौहर दोनों मिलकर ना हमें अम्मा जी की नजरों में गिरा रहे हैं। अम्मा जी सिर्फ आप लोगों को अपना हमदर्द समझती हैं, बस। अरे खामोश हो जाओ शाइस्ता, ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो हबीबा के साथ? खबरदार, आइंदा इससे इस तरह की बात नहीं करना। मैं बिल्कुल ठीक हूं हबीबा, फिक्र नहीं कर। हाँ बस सादिक से कहो कि वो नजर रखे, अरे पता करता रहे इस लड़के का कि ये कौन है, क्या कर रहा है। जी अम्मा जी, बहुत परेशान हूं। अल्लाह मेरी बच्ची पे अपना करम करे। अम्मा, वो साबरा आंटी ने कहा था कि वो नौरीन के लिए कोई रिश्ता लेके आने वाली हैं। आप उन्हें कॉल तो करें, कहाँ रह गई वो? मेरी साबरा से बात हुई थी, कह रही थी कि लड़के की ताई बीमार हैं। ओ, इस वजह से वो लोग नहीं आ सके। जैसे ही वो ठीक होंगी वो लोग आ जाएंगे। असल में ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ताया चची सब चचा बड़े से घर में रहते हैं। फिर तो दुआ करें ऐसा ना हो कि ताई अम्मा की तबीयत बेहतर हो और फिर कोई और बीमार हो जाए। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह पाक सबको सेहत जिंदगी दे। साबरा बता रही थी कि नौरीन की तस्वीर देखकर हाँ तो कर चुके हैं वो लोग। अच्छा अम्मा, माशाल्लाह। बस दुआ करो बेटा कि हारून एतराज ना करे। बड़ी तारीफ कर रही थी साबरा, कह रही थी कि बड़े सादा लोग हैं, मुश्तरका कारोबार है उनका, बड़े नेक और मिलनसार लोग हैं। अगर इस बार भी रिश्ता हारून की वजह से टूट गया फिर मैं नौरीन और हारून का निकाह करवा के ही छोड़ूंगी। नानी जान, आप साबरा आंटी को फौरन कॉल करें और उनसे उनका नंबर मांगें। डायरेक्टली उनको कॉल करें, उनसे पूछें कि ताई अम्मा की तबीयत बेहतर हुई है, कब वो ठीक होंगी। हम सबको भी इंतजाम करने। अम्मा, सिमरा बिल्कुल ठीक कह रही है, और इस दफा प्लीज आप अपने पोते की मिन्नत समाजत करके उसे राजी कर लीजिएगा। उसे कहिएगा वो रहम करे मुझ पर भी और मेरी बेटियों पर भी। जीती रहो बेटा। फिकर नहीं करो बेटा, तुम साबरा का नंबर तो मिलाकर दो, बात तो पहले उससे कर लूं ना मैं। जी अम्मा।